आप सभी प्रियो का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। मैं आप सबके साथ एक विचार साझा करना चाहूंगा। ये यीशु मसीह की पाठशाला है। एक पाठशाला एक शैक्षिक संस्था है जो हमें सीखने की जगह और सीखने का माहौल प्रदान करता है, जो कि शिक्षकों के निर्देशन में होता है। इसका उद्देश्य सीखना, सिखाना और बच्चों को प्रशिक्षित करना है। अध्ययन के लिए बहुत सारे विषय हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए अलग अलग अध्यापक। आज शैक्षिक संस्थाएं विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जिससे एक व्यक्ति अपने भविष्य के नींव रख सके, और बहुत से लोग इसे आकर्षित भी होते हैं, और जिससे वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके वे अपने वित्त को देखते हैं और ऋण का भी सहारा लेते हैं। लेकिन क्या वे संतुष्ट हैं? इन लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो इसे पूरा करने में असमर्थ हैं। कुछ ऐसे हैं जो पूरा कर चुके हैं लेकिन प्रभावी होने में असमर्थ हैं। लेकिन जो प्रभावी हैं, लेकिन वे ना मानसिक रूप से और ना शारीरिक रूप से राहत नहीं पाते। ये वे जगह है जहाँ यीशु मसीह की घोषणा महत्वपूर्ण है। हम मत्ती की पुस्तक 11वें अध्याय 28वें वचन में देख सकते हैं। हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं एक पाठशाला। इस पाठशाला के बारे में जिसमें कि हम बड़े पैमाने में पाठ्यक्रम नहीं देखते और ना ही अलग अलग शिक्षक देखते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही अध्यापक है जो कि यीशु मसीह है, जो आज भी जीवित है। ये अध्यापक मत्ती द्वारा परिचय कराया गया है। हम गुरु शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो अंधेरे से उजाले की राह तक का मार्गदर्शन करता है। यीशु मसीह को सच्चा अध्यापक, यीशु मसीह वो सच्चा अध्यापक है जो घोषणा करता है कि वे जगत की ज्योति है और हमें प्रकाश के संतान बनाता है। कोई भी शिक्षार्थी पाठ्यक्रम की बढ़ती संख्या से परेशान नहीं होगा, उसके बजाय हम सीखने के लिए उसके पास जाना होगा। यहाँ सिखाने का तरीका औरों के तरीके से अलग है। ये वह विषय नहीं जिसे शिक्षक पढ़ाता है, लेकिन हमें यीशु मसीह के बारे में जानने की जरूरत है। पौलुस प्रेरित अपनी पत्री फिलिपियों के 3 अध्याय के 10वें और 11वें में कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। जो इस पाठशाला में जाते हैं वे एक बात पे ध्यान दे कि उसने एक नरम और हल्का जुआ डाला है। क्यों? ताकि उसके प्यार से हम अलग ना होने पाए। हम में से प्रत्येक के माध्यम से हर जगह जोते और फलदायक होते रहे। हम ऐसे बहुत से शिष्यों का उदाहरण देख सकते हैं जो मसीह का जुआ बने। नहमिया, जो लोगों और यरूशलेम की शहरपना के पुनर्निर्माण के लिए अकेला खड़ा हुआ। पौलुस प्रेरित, जिन्होंने बहुत जगह कलीसियाओं की स्थापना की और अन्य जातियों में मसीह के प्रेम को प्रकट किया। बाइबल में और भी ऐसे लोग हैं जैसे कि एलिया, मूसा, दानियल, पत्रस और यूहन्ना। और हम अगर मिशनरियों में देखें जैसे कि जॉर्ज मुलर, साधु सुंदर सिंह, जॉन वेस्ले, हम भी इन सब में एक मसीह के प्रिय बने, यीशु मसीह के करीब जाएं, उसके असाधारण कार्यों के लिए जिसे परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। आप सभी प्रियो का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। मैं आप सबके साथ एक विचार साझा करना चाहूंगा। ये यीशु मसीह की पाठशाला है। एक पाठशाला एक शैक्षिक संस्था है जो हमें सीखने की जगह और सीखने का माहौल प्रदान करता है, जो कि शिक्षकों के निर्देशन में होता है। इसका उद्देश्य सीखना, सिखाना और बच्चों को प्रशिक्षित करना है। अध्ययन के लिए बहुत सारे विषय हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए अलग